हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। नवरात्रि के 9 दिन इन रंगों के कपड़े पहनने से माँ होती हैं प्रसन्न। साल 2022 में शारदीय नवरात्रि का पर्व 26 सितंबर सोमवार से शुरू हो रहा है। नवरात्रि का पर्व 9 दिनों तक चलता है। इन 9 दिनों में मां के भक्त मां के 9 रूपों की पूजा करते हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में रंगों का विशेष महत्व माना गया है। कहा जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों के लिए खास 9 रंग है जो माँ दुर्गा के हर एक स्वरूप को समर्पित है। शास्त्रों के अनुसार यदि नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के पसंदीदा रंग के कपड़े पहनकर माँ दुर्गा की पूजा की जाए तो माँ जल्दी प्रसन्न होकर भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं। आज हम आपको नवरात्रि के 9 दिनों के लिए माँ के पसंदीदा उन 9 रंगों के बारे में बताएंगे। नवरात्रि पहला दिन माता शैलपुत्री। नवरात्रि का पहला दिन प्रतिपदा कहलाता है। इस दिन कलश स्थापना और माता शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। देवी शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। मान्यता है कि माँ शैलपुत्री की पूजा के लिए पीले रंग के कपड़े पहनना बेहद शुभ होता है, इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नवरात्रि दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी की पूजा का विधान है। शास्त्रों के अनुसार देवी ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली। मान्यता है कि माता ब्रह्मचारिणी की पूजा में यदि हरे और नारंगी रंग के वस्त्र धारण कर माँ की पूजा की जाए तो माँ जल्दी प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप देवी चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार यदि तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा में भूरे या ग्रे रंग के वस्त्र पहनकर माँ की आराधना की जाए तो माँ दुर्गा के आशीर्वाद से भक्तों को हर काम में सफलता मिलती है। नवरात्रि चौथा दिन माँ कुष्मांडा। नवरात्रि के चौथे दिन दुर्गा माँ के चौथे रूप माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है। देवी कुष्मांडा को नारंगी रंग बेहद प्रिय है। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि यदि चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा में नारंगी रंग के कपड़े पहनकर माता का पूजन किया जाए तो माता रानी जल्दी प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि पांचवा दिन स्कंद माता। नवरात्रि के पांचवे दिन देवी दुर्गा के पांचवे स्वरूप स्कंद माता की पूजा होती है। मान्यता है कि देवी दुर्गा का पांचवा स्वरूप मोक्ष के दरवाजे खोलने वाला और हर सुख प्रदान करने वाला है। कथाओं के अनुसार माँ को सफेद रंग बेहद प्रिय है। नवरात्रि के पांचवे दिन इस रंग के वस्त्र पहनकर माँ का पूजन करने से भक्तों की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। नवरात्रि छठा दिन देवी कात्यायनी। नवरात्रि के छठे दिन दुर्गा माँ के छठे स्वरूप देवी कात्यायनी की पूजा होती है। छठे दिन माँ की पूजा में लाल रंग का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार यदि देवी कात्यायनी की पूजा में लाल रंग के कपड़े पहनकर पूजा की जाए तो इससे जातक को हर सुख की प्राप्ति होती है। नवरात्रि सातवां दिन माता कालरात्रि। नवरात्रि के सातवें दिन माता कालरात्रि का पूजन किया जाता है। माँ कालरात्रि के शरीर का रंग श्याम, सिर के बाल बिखरे, गले में विद्युत की माला और 3 आँखें हैं। मान्यता है कि नवरात्रि के सातवें दिन माँ की आराधना के समय नीले रंग के वस्त्र पहनना बहुत ही शुभ होता है। नवरात्रि आठवां दिन देवी महागौरी। नवरात्रि के आठवें दिन देवी दुर्गा के आठवें स्वरूप माता महागौरी की पूजा की जाती है। आठवां दिन दुर्गाष्टमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन बहुत से लोग कन्या पूजन करते हैं। आठवें दिन माता महागौरी का मोरपंखी रंग से श्रृंगार कर गुलाबी या मोरपंखी हरे रंग के कपड़े पहनकर पूजा करना शुभ होता है। नवरात्रि नवा दिन माँ सिद्धिदात्री। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के नौवे दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माता का यह रूप अपने भक्तों को सिद्धि प्रदान करने वाला माना गया है। इस दिन माँ की आराधना के समय जामुनी या बैगनी रंग के कपड़े पहनकर पूजा करने से जातक को पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।